बक्के इमाम के जहूर की किरा के लिए सारे हाथ बुलंद कीजिए। ये कबूलियत का वक्त है, तीसरा कासू रहे हैं, तो सबसे बड़ी और सबसे बेहतर दुआ ये है कि इमाम के वक्त इमाम के जहूर की दुआ करें। ये बात भी जिन हाथों से मातम की है, सब बड़े कबूलियत के हाथ हैं, तुम्हारे हाथ उठाए सारे मिलकर, मेरे साथ मिलकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, اللهم صل على محمد وآل محمد। अपना एक हाथ सर पे रखिए, दूसरा हाथ ऐसे उठाए, दूसरा हाथ उठाए, सर को झुकाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, اللهم صل على محمد وآل محمد। اللهم كل عليك حجة بن حسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تصبحه ورزقا التقوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين امام زمانا امام زمانا امام زمانا امام زمانا اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ حسین منظر وہ کب دکھے खुदा के घर पे अलम का साया नमाज पढ़वाएंगे जो मौला तो पीछे सफ में मिलेंगे ईसा हरम में मजलिस बपा करेंगे पढ़ेंगे इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वक्त इमाम का जहूर हो और हम उनके नसरत पे उनके लश्कर में शुमार हो, कौन कौन चाहता है हाथ उठाए, यही उम्मीद है आपसे कि आप सब चाहते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि मौला का जहूर किस वक्त हो सकता है, अगले लम्हे में हो जाए, हो सकता है एक दिन बाद हो सकता है, एक साल देख सकता है, दस साल हो सकता है, एक सदी और लगे, या पता नहीं अगले लम्हे हो जाए, ये तो मेरा मौला जानता है, अल्लाह जानता है। लेकिन हमारी जिंदगी का भी भरोसा नहीं है, मिंबर से उतरते हुए एक सांस से मौजूद हो रहना, यहाँ से निकलते हुए चलते हुए जाए और शेर से जैसे आगे जाए पता चला सांस ना रहे, घर जाते ही रूह फना हो जाए, कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर हम चाहते हो गारंटी के साथ कि वक्त इमाम की नुसरत करो, तो एक नुस्खा है मासूमियत का होता है, सुबह की नमाज की नमाज फजर की फौरन बाद 40 दिन पाबंदी से दुआए अहद है, अक्सर किताबों में मिल जाती है, बहुत ज़्यादा तवील भी दुआ नहीं है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुराद बहुत बड़ी पूरी होने वाली है, जिंदगी भर पढ़ते रहो तो कम है, लेकिन 40 दिन कम से कम 40 दिन सुबह की नमाज के बाद दुआए है, तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वादा है कि तुम मर भी गए तो मैं कब्र से उठाकर अपने लश्कर में शामिल, तो हाथों को उठाइए दुआ के लिए। इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, किताब हक से ये मैंने जाना, हर एक शे को फना है मौला, लगा हुआ है कज़ा का पहरा, नहीं है सांसों का भरोसा, जो बंद हो जाए मेरी आंखें मुझे जगाना, इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना। और अपने घर को पाक साफ रखो, ऐसा ना हो कि वक्त का इमाम दरवाजे पर खड़ा रहे और तुम कहो वाला 5 मिनट दे मैं अपना घर जरा साफ कर, नहीं, इस घर में एक कमरा ऐसा होना चाहिए, पूरा घर पाक साफ रहे लेकिन एक कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ अपने इमाम के सहूलत के बाद आप मौला का क़याम
का इंतजाम कर सकते हैं। ये अलग बात है नसीब में कि हमारे और आपके घर पे मौला का प्याम कितने वक्त होता है या नहीं भी होता, वक्त इमाम की ज्यारत हो जाए। अरबईन से करबला, नजब से करबला अरबईन का जो पैदल सफ़र है, ये इस बात की प्रैक्टिस है कि जब इमाम का जहूर होगा तो ये ज़मीन तंग हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, आप अपने अपने शहरों से निकलेंगे मौला की मसरत के लिए। जब मौला की सदा बुलंद करेंगे हल मिलना से आप सब जाएंगे। कमालुद्दीन एक किताब है, अक्सर किताब होगी लाइब्रेरी में मिल जाती है, उसका पूरा मंजर लिखा है। पर मेरे वक्त इमाम का जब जहूर होगा कैसा हो रिया होगा, जुल्फ़े हवा में उड़ रही होंगी, काबे से टेक लगा कर मेरा मौला एक हाथ में जुल्फ़िकार दूसरे हाथ में अलम लेकर खड़ा होगा। अरबईन पर भी मेरा मौला इमाम ज़माने जरूर आते हैं। अलग बात है कि हमारी निगाहें उनको नहीं देख पाती, तो मेरे दिल का ख्याल है, सुनिए। सफर था पैदल जब अरबईन का, मैं हर जगह तुझको ढूंढता था, तू ज़ायरों में तू आशिकों में, ऐ मेरे मौला कहीं तो होगा, ये सोच कर ही मैं सबके कदमों को छोड़ता इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए बने दारा इमाम ज़माना उठा ना करो, हाथ उठाते हुए हाथ उठाकर बोला करो, उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए बने दारा इमाम ज़माना। बहुत ही छोटा सा घर है मेरा, पर इसमें हुजरा एक तेरा, शरफ ये मेरे लिए बड़ा है, तो मुझसे कर ले ये एक वादा, बस एक शब को तू मेरे घर में कयाम करना इमाम ज़माना। उठाके पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा, और चाहता है कि अल्लाह उसको अपना जाती घर अता कर दे, जो चाहता है कि मेरा अपना जाती घर हो जाए। एक मन्नत मांगी है गाजी अब्बास के अलग से, गाजी अब्बास अगर तेरे वसीले से अल्लाह ने मुझे घर अता किया तो एक घर में उस बीबी सकीना के नाम का एक कमरा जरूर है। ये मौला हुसैन की कसम, देखना कितनी जल्दी मौला अब्बास वसीला बनाते हैं। सकीना का वास्ता रद्द नहीं होता कभी भी। अब हर मोमिन का दिल काबे की तरह, मेरा भी और आपका भी, मैं और आप गुनाहगार हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमारा दिल, हम गुनाहगार का दिल काबे की तरह कैसे हो सकता है। मिसरा पढ़ रहा हूँ दलील की सूरत, 100% दलील है। मिसाल काबा ये दिल है मेरा, है इसमें मौला तेरा बसेरा, सजाए धड़कन मेरा अरीजा, भला मैं कागज पे अब लिखूं क्या, जो धड़कनों की सदा सुनेगा तू जान लेगा इमाम ज़माना। उठा के पर्दा हाथ लगा के सारे जलवा, उठा के पर्दा दिखा दो जलवा, जब भी देखा अली के जैसा तेरा हशम था, है तेरे कब्जे में देव है दे, अलम है कांधे पे बावफा का, मिसाल दुल दुल सवार अंदाज फातिहाना इमाम ज़माना। उठा के पर्दा पर्दा उठाकर अपनी ज़ियारत करें मौला, तो हमें अपने हाथ तो कम से कम उठाए ना, हाथ उठाकर उठा के पर्दा दिखा दो जलवा। और जो बाहर खड़े हैं, जो खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, इस्तेगासा किया ही खुले आसमान के नीचे जाता है, हाथ उठाओ मिलकर, हाथ उठा के पीछे वाले उठा के पर्दा, और सबकी नियत करते हुए इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। सारे बात भी इलाही आमीन कहिएगा, मेरी जिंदगी पे एहसान होगा मौला से। दुआ है मज़हर की रात दिन आप कहेंगे आमीन मातमी सब।
इलाही आमीन। हुसैन कावा में जब भी मजलिस बराए जिक्र हुसैन ज़ैनब बगर ज़िनाह तुम अपने फरहान को बुला इमाम ज़माना इमाम ज़माना बराए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बराए तर्स अलैहिस्सलाम।